हेलो गाइज आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे रेडियस ऑफ गैरेशन तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे फिगर का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इसके बाद डिफिनेसन क्या होता है स्टेटमेंट्स देखेंगे हम लोग रेडियस ऑफ गायरेसन का तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है तो सबसे पहले हम लोग फिगर का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि किसी बॉडी से हम लोग रेडियस ऑफ गायरेसन कैसे निकालते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सपोज एक बॉडी है और इसका एरिया जो है वो ए है और ये जो एरिया है तो इस एरिया का किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेशन होगा जिसको ये हम लोग मान लेते हैं इस पॉइंट पे ये कंसंट्रेशन है तो किसी भी बॉडी को जब किसी एक्सिस के रेफरेंस में इसको रोटेट किया जाता है तो उसमें हम लोग रेडियस ऑफ गारेसन निकालते हैं तो रेडियस ऑफ गारेसन किसी बॉडी को रोटेट किया जाता है तो उसमें निकालने के लिए हम लोग उसका जो डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसमें रेडियस ऑफ गसन निकालते हैं तो रेडियस ऑफ जब रोटेट किया जाता है बॉडी को को तो उसमें निकाला जाता है रेडियस ऑफ गैरेसन तो जब किसी बॉडी को किसी एक्सिस के रेफरेंस में रोटेट किया जाता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ गैरेसन सपोज ए बॉडी है और इसका हॉल वेट जो है या फिर हॉल एरिया इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एक्सिस से कंसंट्रेटेड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये के है ये जो है ये के है और ये जो बॉडी है ये स्मॉल एरिया से बना हुआ है सपोज छोटा छोटा बहुत सारे एरिया से बना हुआ है जिसका एरिया जो है ए वन ए टू एंड ए थ्री है तो स्मॉल पार्टिकल जो है उसका एरिया ए वन ए टू एंड ए थ्री है और सेंटर से एक्सिस से इस के बीच का जो डिस्टेंस है वो के वन के टू एंड के थ्री है के वन के टू एंड के थ्री है एरिया वन का डिस्टेंस एक्सिस से इस एरिया ए वन के बीच का डिस्टेंस जो है वो के वन है एंड एरिया टू के बीच का जो डिस्टेंस है वो ए के टू है एंड एरिया थ्री के बीच का जो डिस्टेंस है वो के थ्री है तो जब किसी बॉडी को उसके एक्सिस के रेफरेंस में रोटेट किया जाता है तो हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते हैं तो रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकाला जाता है तो सपोज ये कंसनट्रेटेड बॉडी है इसका हॉल वेट जो है इस पॉइंट पे या हॉल एरिया जो है इस पॉइंट पे पॉइंट ए पे कंसनट्रेट हो रहा है पॉइंट ओ पे हॉल एरिया जो है वो कंसनट्रेट हो रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा तो मोमेंट ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ़ इनर्सिया हम लोग निकालते हैं तो आई इज इक्वल टू क्या होता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्सिया का फॉर्मूला ए इंटू डिस्टेंस स्क्वायर तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू ए के स्क्वायर तो के क्या है हमारा के रेडियस ऑफ गायरेसन है तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है किसी भी बॉडी को जब उस बॉडी का किसी एक पॉइंट को कंसंट्रेट किया जाता है और कंसंट्रेट पॉइंट के अकॉर्डिंग किसी एक्सिस पर बॉडी को रोटेट किया जाता है तो हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते हैं तो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू रूट अंडर आई बाई ए आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्जी है जब इस बॉडी का एक्सिस के अकॉर्डिंग एक्सिस के रेफरेंस में रोटेशन हुआ तो यहाँ से यहाँ तक का कंसनट्रेटेड पॉइंट से एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो के है एंड इस बॉडी का हॉल एरिया जो है वो ए है तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया हम लोग कैलकुलेट किए तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा आई इज इक्वल टू ए के स्क्वायर तो आई इज इक्वल टू ए के स्क्वायर होगा तो ए जो है वो बॉडी का हॉल एरिया है एंड के क्या है डिस्टेंस ऑफ रोटेटिंग एक्सिस तो रोटेटिंग बॉडी को जब रोटेट किए एक्सिस के रेफरेंस में तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो के है जिसको हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं तो के इज इक्वल टू रूट अंडर आई बाई ए होगा तो ये हमारा क्या है के रेडियस ऑफ गायरेशन है तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी बॉडी के उसके एक्सिस के रेफरेंस में जब रोटेट किया जाता है और उसके बीच का डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं एंड डिफिनेशन जानते हैं हम लोग कि रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द रेडियल डिस्टेंस टू ए पॉइंट विच वुड हैव ए मोमेंट ऑफ इनर्सिया द सेम एज दॉडी इज एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इफ दोटल मास ऑफ द बॉडी वेयर कंसनट्रेटेड तो अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पर कि जब बॉडी को हॉल वेट जिस कोई भी बॉडी है उसका हॉल वेट या हॉल एरिया जिस पॉइंट पर कंसेंट्रेट रहता है और उस पॉइंट के रेफरेंस में बॉडी को किसी एक्सिस के थ्रू रोटेट किया जाता है किसी एक्सिस पर रोटेट किया जाता है तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है तो उसको जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसको रेडियस ऑफ गायरेसन कहते हैं तो स्टेटमेंट्स भी यहाँ पर क्लियर हो गया कि रेडियस ऑफ गायरेसन क्या होता है तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियस ऑफ गायरेसन क्या होता है जब किसी भी बॉडी को उसके एक्सिस के रेफरेंस में रोटेट किया जाता है और उसका जो कंसंट्रेटेड पॉइंट है बॉडी का हॉल वेट जहाँ पर बॉडी का कंसनट्रेट आता है तो उसके रेफरेंस में जब उसको बॉडी को रोटेट किया जाता है और डिस्टेंस को मेजर किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेसन बोलते हैं तो आज के लेक्चर में इतना ही फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तब तक के लिए बाय